रावण का पहला जन्म यानी के हिरण्याक्ष राक्षस के अंत के बाद भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार हुआ था और कुंभकर्ण का पहला जन्म हिरण्यकश्यप का माना जाता है। और इस जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से ज्यादा ताकतवर था और अपने भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए और भगवान विष्णु का अंत करने के लिए अभी जितनी शक्तियां उसके पास थी वो काफी नहीं था। इसीलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो घोर तप करने एक पर्वत पर पहुंचा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दशावतार सीरीज का फिफ्थ पार्ट, जिसमें बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसे भगवान विष्णु को नरसिम्ह अवतार लेना पड़ा और नरसिम्ह देव को शांत करने के लिए भगवान शिव ने किस विचित्र जीव का रूप धारण किए थे और अंत में भगवान विष्णु के इस नरसिम्ह अवतार से हम क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया तो इसी समय का इंतजार कर रहे इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर युद्ध कर कई सारे राक्षसों का अंत कर दिए। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, लेकिन इंद्रदेव उसे भी मार देना चाहते थे और तभी वहां नारद मुनि पधारे और इंद्रदेव से इसके पीछे का कारण पूछे। तब इंद्रदेव ने कहा कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस है तो उसका जन्म लेने वाला पुत्र कितना बड़ा राक्षस बनेगा। तब नारद मुनि ने कहा, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा और जन्म लेने वाला बालक बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा जिसे तुम भी नहीं मार सकते, इसीलिए इन्हें जाने दो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम ले गए और वहाँ वे हर दिन श्रीहरि की कथा सुनाया करते थे, जिसके कारण गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद का मानसिक दिमाग हरि के नाम की बातों को महसूस करने लगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहे शिशु छठवें महीने से ही बाहरी दुनिया की बातों को महसूस करने लगते हैं और ये बात साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो हो गई रानी कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद की बात। अब देखते हैं कि राक्षस हिरण्यकश्यप की तपस्या किस ओर तक पहुंची है। यहाँ पर कई दिनों से तप कर रहे हिरण्यकश्यप के चारों ओर चींटियों का घर बन चुका था और हिरण्यकश्यप का शरीर भी गलने के कगार पर पहुंच चुका था। और फिर अंत में ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उसका भाई हिरण्याक्ष वर मांगने में गलती कर बैठा। सभी जीवों का नाम तो लिया था पर नए जीव का नाम नहीं मालूम होने के वजह से वराह अवतार के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। यह सोचकर ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वरदान में पंचभूत यानी वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि किसी भी मनुष्य से नहीं और ना किसी जानवर से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से। बताई गई इन सभी चीजों में से किसी भी चीज से उसकी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिए। फिर कुछ ही क्षणों में हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की तरह ही चारों तरफ युद्ध कर जीतता गया और जब वह अपने राज्य लौटा तब उसी दिन उसकी पत्नी प्रहलाद को जन्म दी। इस खुशी के मौके पर हिरण्यकश्यप पृथ्वी पर से सभी विष्णु मंदिरों को जला देने के लिए होलिका को आज्ञा दिया। दोस्तों, होलिका के पास एक स्पेशल पावर था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती और इसीलिए होलिका जहां कहीं भी विष्णु भक्त और विष्णु मंदिर देखती थी वहां उस जगह को जला देती थी। तो अब हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा था और अपने राज्य में खुद की पूजा करवाने लगा। हिरण्यकश्यप चला तो था पूरी पृथ्वी से भगवान विष्णु का नामोनिशान मिटाने, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खुद के घर में ही इस धरती का सबसे महान विष्णु भक्त जन्म ले चुका है। और फिर कुछ समय बाद जब प्रहलाद शिक्षा प्राप्त करने लगा तब एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से पूछा कि तुम अभी तक क्या सीखे हो। तब प्रहलाद ने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण में विष्णु बसते हैं और हरि का नाम ही सबसे महान है। ये बातें सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को एकदम से 440 वोल्ट का झटका लगा और सोचने लगा कि पूरी दुनिया से विष्णु का नाम हटाने चला, मैं खुद के घर में ही ध्यान देना भूल गया। शुरू में तो प्रहलाद को काफी प्यार से समझाने की कोशिश किया कि विष्णु हमारा दुश्मन है और तुम्हारे बड़े पिता का अंत किया है, तो फिर तुम उसे कैसे पूजा कर सकते हो। तब प्रहलाद ने कहा, बड़े पिता एक बहुत बड़े दुष्ट थे, इसीलिए विष्णु जी धर्म को बचाने के लिए उनका संहार किए। तब हिरण्यकश्यप ने
क्रोध में आकर कहा, फिर एक बार विष्णु का नाम अगर लिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब प्रहलाद ने कहा, मारने वाले आप नहीं हो और ना ही मरने वाला मैं हूँ, क्योंकि हर जगह हरि है। तुम्हारे अंदर भी हरि है, मेरे अंदर भी हरि है। इस प्रकार की बातें सुनने के बाद हिरण्यकश्यप का दिमाग काम करना कुछ क्षणों के लिए बंद कर चुका था और सोचने लगा कि इतना बड़ा विष्णु भक्त मेरे घर में ही मौजूद है, अब पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। अपने खुद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद के बच्चे का बलिदान कर देने का सोचा और सैनिकों से कहा कि प्रहलाद को किसी भी तरीके से मार डालो। तब सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के लिए समुद्र में डुबाया, बाणों से हमला किया, हाथी के पैरों तले कुचलाया, पर्वतों पर से फेंका, लेकिन उन सैनिकों का हर एक तरीका विफल होता गया और अंत में प्रहलाद एक छोटी सी मुस्कान के साथ हरि का नाम जपने लगता और वापस आ जाता। तब उन सैनिकों ने यह कार्य वे नहीं कर पाने के कारण उसे अपने राजा हिरण्यकश्यप को लौटा दिए। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा और फिर होलिका ने ऐसा ही किया। होलिका एक मेटल के समान थी। उदाहरण के तौर पर आयरन को गैस स्टोव पर रखें तो कुछ नहीं होगा, इसी तरह होलिका को भी कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान विष्णु जी ने उस समय अग्नि को काफी हाई टेम्परेचर में पहुँचा दिए। कोई भी धातु एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद उसे भी गलना ही होता है। इसी तरह होलिका भी उस हाई टेम्परेचर की अग्नि में गल गई, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को इस अग्नि की ऊर्जा से बचाए रखे और फिर अग्नि में से हंसते हुए प्रहलाद बाहर आया और तभी से भगवान विष्णु के कई सारे मंदिरों को जलाने वाली होलिका के मृत्यु के बाद वहाँ के लोग खुशी से होली का त्यौहार मनाने लगे। होलिका एक अग्नि का रूप थी, इसीलिए होली के त्यौहार में उसका ऑपोजिट पानी से होली खेला जाता है, लेकिन समय के साथ ये त्यौहार भी काफी बदलता गया। अब हिरण्यकश्यप अपने बेटे से कहता है कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया और तुम मेरी बहन को मार दिए। असल में मैंने विष्णु को हर जगह खोजा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तब प्रहलाद ने कहा कि विष्णु हर एक कण कण में बसते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं इस कक्ष में जिधर अपना हाथ घुमाकर रोकूंगा उसमें हरि नहीं मिले तो तुम हरि का नाम लेना बंद कर दोगे। ऐसा कहकर वो घूमते हुए एक स्तंभ की ओर अपना हाथ रोका और पूछा, क्या इस स्तंभ में हरि मौजूद है? तो इस पर प्रहलाद ने कहा, हाँ। गुस्से से अपने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। भक्त के भक्ति का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने उस स्तंभ में से नरसिंह अवतार का दर्शन दिए। उस नरसिंह अवतार को देखकर हिरण्यकश्यप समझ चुका था कि उसका अंत नजदीक आ चुका है और तभी नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रख कर कहा कि देख हिरण्यकश्यप, ये समय ना दिन है ना रात, ये जगह ना द्वार के अंदर है ना बाहर, और मैं ना ही मनुष्य हूँ और ना ही जानवर, और मेरे नाखून ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र। ऐसा कहकर नरसिंहदेव ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के नाभि को चीर कर उसका अंत कर दिए। लेकिन हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी भगवान नरसिंहदेव उस उग्र रूप से बाहर नहीं आ रहे थे और लक्ष्मी देवी भी उनके पास जाने के लिए डरने लगी थी। और तभी भगवान शिव ने शरभ नामक एक तीन मिश्रण वाला जीव जिसमें एक पक्षी, मनुष्य और शेर का रूप लेकर नरसिंहदेव के पास पहुँचे। तब शरभ जीव ने नरसिंहदेव को अपने पैरों के बीच कुछ समय के लिए जकड़ कर रखा, जिसके बाद भगवान नरसिंहदेव का गुस्सा शांत हुआ और वे फिर से अपने विष्णु रूप में मिल गए। तो दोस्तों, ये तो हो गई भगवान नरसिंहदेव की और हिरण्यकश्यप राक्षस के अंत की कथा। लेकिन ये कथा हमें क्या सिखाती है? दरअसल अहंकार, घमंड और बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अपना लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त कर सकता। और जो व्यक्ति फुल नॉलेज विद सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ धैर्य रखकर धर्म के साथ खड़ा रहेगा, उस व्यक्ति के सामने कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए लेकिन अंत में वो जीत जाएगा। लक्ष्मी देवी को धन और खुशी का रूप माना गया है। जिस तरह उग्र रूप में रहे नरसिंहदेव के पास लक्ष्मी देवी भी जाने से डरने लगी थी, उसी तरह हाई टेम्पर वाले लोगों के पास लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें, और कोई सवाल या सुझाव हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें।
ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।